नमस्कार, मैं हूँ समो समोद की रसोई में। दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी पालक के पत्तों की चाट, क्योंकि सर्दियों के मौसम में पालक बहुत अच्छा आता है। तो चलो इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करती हूँ। आज मैं बनाऊंगी पालक के पत्तों की चाट। तो ये मैंने पालक के पत्ते अच्छी तरह धो के और इनका पानी सुखा लिया है। अब इसके लिए अपन एक घोल तैयार कर लेते हैं। मैंने 150 ग्राम बेसन ले लिया है और इसके अंदर थोड़ा अपन चावल काटा लेंगे, चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, आधे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप टेस्ट के अनुसार भी डाल दे सकते हो, और थोड़ा सा जीरा। आप चाहो तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हो। अब इसको अपन पानी डाल के और एक बैटर इसका तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक घोल तैयार कर लेंगे, इससे इसमें गुठलियाँ ना पड़े। चावल के आटे से क्या है, थोड़े से क्रिस्पी बनेंगे अपने पत्ते चाट के ना। घोल बन के तैयार है। हम गैस की तरफ चलते हैं और तेल गरम कर लेते हैं। इनके तेल चढ़ा दिया है और गरम हो गए। अब आंच को अपन मीडियम करेंगे, क्योंकि अपन ने चावल का आटा डाला है इसलिए उस पक जाए। अभी इस बैटर में अपन डीप करेंगे। क्या चावल का आटा कच्चा रह जाएगा अगर हाई फ्लेम पे अपन कर लेंगे तो। जितने एक बार में आए उतने डाल दें। अब इनको उलटते पलटते अपन सेक लेंगे जब तक हल्के से अपना बेसन ब्राउन हो जाए। आंच मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना है। इनको सेक लेते हैं अच्छी तरह। देखे हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए तो इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो बाकी भी इसी तरह बना लेंगे। देखे मैंने सभी बना के तैयार कर लिए हैं, तो तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखे कितने करारे हैं। अब अपन चाट बनाते हैं, तो उसके लिए पहले दही तैयार कर लेते हैं। मैंने दही ले लिया है, इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी, अगर पसंद हो तो डाले, नहीं स्किप भी कर सकते हैं। मसाले डालेंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा काला नमक। आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हो मसाला और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, रोक लेंगे इसको थोड़ा। देखिए अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब चाट बनाएंगे। देखिए मैंने 5 पत्ते रख दिए पालक के। अब इसमें पहले लाल मिर्च पाउडर डालेंगे हल्का सा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा इसके ऊपर डालेंगे। ये दही। और मेरी वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस कर दिया करें, जिससे जो भी वीडियो आए उसका नोटिस आपको मिलता रहे। इसके अंदर डालेंगे ग्रीन हरी चटनी, पुदीने की और धनिया की। और ये खट्टी मीठी इमली की चटनी। आलू, आप छोले भी डाल सकते हो, काले चने भी डाल सकते हो, थोड़ा ब्लैक पेपर और भुना हुआ जीरा। थोड़ी सी
आलू भुजिया, आप जो भी पसंद हो वो डाल सकते हो। और डालेंगे अनार। तो लीजिए अपनी पालक के पत्तों की चाट बनके तैयार है। आप जरूर ट्राई करें, हेल्दी और टेस्टी और जल्दी सी बनके तैयार हो जाती है, तो आप जरूर ट्राई करें। बच्चों को भी बहुत पसंद आती है ये चाट। धन्यवाद।